अब पाथियां नहीं कहता कहता गड्ढा सर मेरी भी स्पेशल ओए की जगह है निकल पाथियां घट ने यार ले बस अपन पानी कत्ता करदा रख इधर का चूल्हा मसाला डाल दे देख बोले सुन का दीदी अरे तू रहने अब तू मत कर जला ले हां डिजिटल मामला है ये सोना में आलू जी अच्छा बताओगे क्या बना रहे हैं ये है झंगोरे की खीर झंगोरे की अरे कैसा उदास है भाई नमक डाल चेक करो नहीं यहाँ पर है जमीयत यूथ क्लब हम जमीयत यूथ क्लब के कैंडिडेट से जानना चाहेंगे ये क्या क्या बना रहे हैं आइटम कौन साथी बताएंगे कौन साथी हाँ ये वसीम भाई बताना चाहेंगे हमारे पास और हिंदी वर्ड में एक उर्दू के वर्ड में जो ईद के मौके पे बनाते हैं उसे बोलते हैं शीर कोरमा शीर कोरमा जो होता है वो काफी लजीज और काफी मजेदार होता है और हमारे पास उस पे है फूड्स एक फूड्स भी बना रहे हैं हम उसके बाद एक क्रीम है उसे भी बना रहे हैं हम जो काफी लजीज होते हैं हिंदुस्तान की अभी वो शायद कुछ ने खाई होएगी और कुछ ने नहीं भाई भाई। तो इंशाल्लाह दुआ कोशिश तो अपनी तरफ से ये करेंगे काफी आइटम बना रहे हैं हम चार पांच आइटम बना रहे हैं और एक अंडे की बिरयानी बना रहे हैं सर आप कुछ बताएंगे इनका ये किस तरह से आइटम है देखिए मैं अभी सारी जो अलग अलग विभिन्न स्टेट से हमारे प्रतियोगी आए हैं वहाँ से घूम के आ रहा हूँ तो मैं इनके लिए ये एक स्पेशल मेरा इसको कॉम्प्लीमेंट मानिए कि सभी जगह पे जो हमारी फीमेल्स हैं या महिला या लड़कियां हैं वो हेल्प कर रही हैं लेकिन इस पंडाल में मैंने देखा कि सभी यहाँ से देखिए आप यहाँ सभी जो मेरे भाई हैं छोटे भाई हैं बेटों जैसे हैं वो खाना बना रहे हैं और ये सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी कि इनमें इतनी काबिलियत है कि वो अकेले ही इस जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें लड़ने का जज्बा रखते हैं और इंशाल्लाह ये जरूर जीतेंगे मेरी दुआ है कि ये जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह थैंक यू सर क्योंकि सामान देखिए बहुत कुछ है इनके पास अमरूद ये रे ये देखिए यहाँ देखिए ये भी आना चाहिए ताले, ताले। बहुत बढ़िया कर रहे थे ये पहली बार होती कुछ नहीं करती सब पहले बार चलते बता रहे हमने तो जाने ना ताले के सर जो हो गया उसे अभी दूसरे में लेंगे और एक हमारे त्योहार में बोलते हैं शीर कोरमा जो शरदीय बनाया जाता है तो वो बना रहे हैं फ्रूट्स बना रहे हैं और रायता बना रहे हैं और एक अंडे और आमले का एक हमारे पास मादी है तो हम क्या हम कोशिश करेंगे कि आपको इंशाल्लाह वो अच्छा लगेगा और एक इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा लगेगा थैंक यू मैम अच्छा पहले खिला दोगे पहले चेक कर लो बाद में निकाल लेना मैम देवा तो देख के मंजू मैम को भी भेजा मंजू मैम समझ गई बहुत अच्छा लग रहा कोई चिक चिक करने वाला नहीं है।